हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आप सभी लोगों को? विजिबल हूँ सभी को? फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने भी अभी तक शेयर नहीं किया है। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, और बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस, हेलिक्स के उस प्लेटफॉर्म पर आप लोग हैं जहाँ पर पैरामेडिकल की उच्च गुणवत्तापूर्ण आपको पढ़ाई करने को मिलती है ना। आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं से मिलेगा, है ना। आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट के साथ साथ बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट टीचर, बेस्ट पैरामेडिकल, जितनी भी एक्टिविटी, जितने कोर्सेज आरपीएमसी या अलाइड हेल्थ साइंस जो अपने इंडिया में कंडक्ट हो रहा है और अब तो राजस्थान में कंडक्ट हो चुका है, उन सब के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी जो मिलेगी वो हेलिक्स के पास मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि किन किन कोर्सेज के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत सारा बहुत जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज अलाइड हेल्थ साइंस चलाता है, आरपीएमसी चलाता है, आरएचएस चलाता है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोर्सेज चलाती हैं, उन सभी कोर्सेज के लिए हम लोगों ने क्लासेस चालू कर दी हैं, चाहे वो डीएमएलटी हो, आरटी हो, ओटी हो, ईसीजी हो, कैथ लैब हो, है ना, डीबीबीटी हो, जितने भी हो। और उसके साथ साथ कंपटीशन को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, जितने भी कंपटीशन है, लाइक आरआरबी, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, पीजीआई के जितने भी एग्जाम्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़ हो, चाहे पीजीआई रोहतक हो, एम्स के जितने भी एग्जाम हैं, आपके जिपमेर पांडिचेरी के जितने भी एग्जाम्स हैं, DSSSB के जितने भी एग्जाम्स हैं, अपने लैब टेक्नीशियन के लिए हो, रेडियोग्राफर के लिए हो, ईसीजी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए हो, और आगे आने वाले समय पर हम लोग ऑपरेशन थिएटर वैकेंसी के बैच भी जल्दी ही कंपटीशन लेवल पर चालू कर देंगे। राइट बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों का जो आज का सबसे प्यारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड, यानी कि रक्त, यानी खून, है ना। अब ये हिंदी में तो खून रक्त वगैरह हम लोग बोलते हैं, बट ब्लड इसके नाम में ही बहुत एक्सट्रीम चीज है ना। और हम लोग बात करेंगे कि ये किन किन कोर्सेस में आता है ब्लड टॉपिक। ब्लड का जो टॉपिक है वो डीएमएलटी, डीआरटी, ओटी, ईसीजी, कैथ लैब, डीबीबीटी और तमाम प्रकार के जितने भी कोर्सेज हैं जिनके लिए एनाटॉमी का सेक्शन अलग से बुक है, उनके अंदर समस्त डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, हेलिक्स वो प्लेटफॉर्म है जिसने आप लोगों को 8 साल के अंदर 4 बार आरपीएमसी, जब आरपीएमसी हुआ करता था, आरपीएमसी यूनिवर्सिटी रैंक 1, और अब तक टोटल 83 कॉलेज टॉपर हम लोग दे चुके हैं। 83 कॉलेज टॉपर और आरपीएमसी रैंक 1 टॉपर हम लोग, जो आरपीएमसी टॉपर हम लोग अब तक 4 बार दे चुके हैं, आगे पढ़ेंगे। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नए मोड पर, नए टॉपिक पर, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कैसा फ्लूड है, कैसा नहीं है, है ना, किस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टी है। ब्लड हमारी रगों में बहता है तो रगें कितनी प्रकार की होती हैं, हमें रगों में बहता है तो क्या किस प्रकार के उसको इसके ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियरिफाई होंगे तो किस तरह का दिखाई देगा, क्या शेप होगी ब्लड की, कितना टाइम वो हमारे बॉडी के अंदर उसकी जो आरबीसी है कितना टाइम तक जीवित रह पाती है। हमारा ब्लड हमको बाहर के जितने भी अटैक्स करने वाले माइक्रोब्स हैं उनसे हमारा बॉडी कैसे बचता है, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड, और उसके ब्लड के साथ साथ कंपोजिशन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका आज का प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, ब्लड। चलिए देखिए, वी विल डिस्कस अबाउट, प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं, ब्लड के बारे में। ब्लड, ब्लड क्या कहता है, ब्लड कहता है, देखो ब्लड क्या हमारी बॉडी में बहने वाला फ्लूड है, बोलो हाँ, हमारी बॉडी में फ्लो होने वाला एक फ्लूड है। ब्लड एक फ्लूड है जो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है। अब फ्लूड जो है तो हमारी बॉडी का फ्लूड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि ये बॉडी फ्लूड है, दिस वन इज बॉडी फ्लूड, दिस वन इज बॉडी फ्लूड। तो हमारा ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूड है। अब बॉडी फ्लूड है प्यारे बच्चों तो किस तरह का बॉडी फ्लूड है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो बॉडी फ्लूड होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये बॉडी फ्लूड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, बॉडी फ्लूड हमारे अंदर 2 प्रकार के होते हैं। चलिए कितने प्रकार के होते हैं बॉडी फ्लूड, इनके बारे में चर्चाएं करते हैं। बॉडी फ्लूड 2 प्रकार के होते हैं बेटा, सभी लोग आराम से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले दिन से ही, चाहे वो वैकेंसी या कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएम से कौन सा ही पेपर हो, पहले दिन से हम लोग अटैक करते हैं। तो पहला जो बॉडी फ्लूड होते हैं वो होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड। हमारे जो बॉडी फ्लूड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूड और दूसरा होता है बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। हम अभी बॉडी फ्लूड्स की बात कर रहे हैं कि बॉडी फ्लूड्स कितने प्रकार के होते हैं।
हमारे जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं बच्चा वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। चलो हाँ, ये क्या कह रहा है? अब इंट्रा सेलुलर का मतलब, इंट्रा मतलब बच्चों जहां भी आ जाए, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, है ना, अंतः कोशिकीय द्रव, और दूसरा है बाह्य कोशिकीय द्रव। तो दो प्रकार के आपके द्रव होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम हिंदी में बात करते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूड कौन से होते हैं, आगे बात करते हैं। वे फ्लूड, वे बॉडी फ्लूड जो सेल के अंदर होते हैं, वे बॉडी फ्लूड जो सेल के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? इंट्रा सेलुलर फ्लूड। ठीक है, और इधर हम लोग बात करें बच्चों तो वो क्या है? वे बॉडी फ्लूड जो सेल के बाहर होते हैं, जो बॉडी फ्लूड सेल के बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा आपका? आप आराम से देख लीजिए, उनको बोलेंगे अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारा ब्लड कौन सा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड? आराम से अपन इसको और मैं लार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ में आ जाए। इसे थोड़ा सा लार्ज हम करते हैं, दो तरह फ्लूड है, एक इधर हमने लिख दिया इंट्रा सेलुलर फ्लूड, और दूसरा इधर भी मैं इसको लार्ज करता हूँ ताकि आप और अच्छे समझ में आ जाए। और ये कौन सा आपका? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। आप लोगों को बताना यह है कि एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा ब्लड जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट कर देंगे कि हमारा जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है या आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूड है। ठीक है, चलिए बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिए हैं बच्चे। देखिए बच्चों का आंसर आया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। देखिए भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? इंट्रा सेलुलर। देखिए सेल के अंदर नहीं होता आपका, आपने अभी देखा होगा तो ब्लड कैसे फ्लो करता है? देखिए ब्लड ऐसे फ्लो करता है, ब्लड वेसल होती है, ठीक है, ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में क्या करता है? आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है कि नहीं? तो वेसल में फ्लो हो रहा है, आपका ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है? वेसल में फ्लो कर रहा है। वेसल फ्लो होने के कारण आपका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होगा। अपना ब्लड कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं क्या ब्लड के बारे में? अगर हम लोग ब्लड के बारे में लाइन्स लिखें, अगर हम लोग ब्लड के बारे में लाइन लिखते हैं तो क्या होगा बेटा? एक मिनट, मैं बेस्ट मार्कर चूज कर लेता हूँ, आप लोग को ढंग से दिखाई दे। हमारा जो ब्लड होगा बच्चे, ठीक है, उसके बारे में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखना चालू करें तो उनमें सबसे पहली लाइन क्या होगी कि ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। ब्लड कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, मतलब सेल के बाहर फ्लो करता है, राइट बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है। दूसरी हम लोग बात करें, आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हीमेटोलॉजी का मीन क्या है बच्चों? हीमेटो यानी होता है ब्लड, हीमेटो यानी होता है ब्लड, और लोगी यानी होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है बेटा? आपका हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात हम लोग बात करें, क्या हमारा जो ब्लड होता है पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है? हाँ बिल्कुल, हमारा जो ब्लड है वो पूरी होल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। इसलिए हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पूरी बॉडी कनेक्ट कर रहा है, ऐसा लिक्विड जो पूरी बॉडी कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो अपना दूसरा लाइन क्या हो गया कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू।
ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्लड के बारे में और क्या क्या चीज़ें। देखिए ब्लड के बारे में हमने दो चीज़ें बात की। हमने पहले बात की बॉडी फ्लूड्स दो प्रकार के होते हैं, जो सेल के बाहर फ्लो करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहलाते हैं, जो सेल के अंदर फ्लो करते हैं वो इंट्रा सेलुलर फ्लूड कहलाते हैं। हमारा जो ब्लड है ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है तो हमारा ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होगा, राइट बच्चा। अगर हम लोग जाए दूसरी बात, ये ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और तीसरी बात हमने क्या करी, ब्लड जो होता है पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब हम बात करते हैं कि ब्लड का कलर कैसा होता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कहीं हम लोग भी उनको कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मेन मेन है उनको अपन लोग अभी डिस्कस करते हुए चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। अगर हम बात करें कलर की तो हमारा जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए हमारा जो ब्लड है दो वेसल्स में फ्लो करता है। एक कौन सी वेसल होती है? अभी आर्टरी। कौन सी होती है? आर्टरी, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? अभी वेन, ठीक है। आर्टरी के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्या करता है? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और आपके वेन के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करेगा बच्चा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। कैसा करेगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? आपका आर्टरी, ठीक है कि नहीं है? चलिए अब यहां पर हम लोग बात करें कलर की। कलर की हम लोग बात करें, देखिए अगर हम जाएं कलर पे तो कलर की अगर हम बात करें तो जो आर्टरी में है जो ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चमकीला रेड होता है। और चमकीला रेड क्या होता है? स्कारलेट रेड। ये कैसा दिखाई देगा आपको? स्कारलेट रेड कलर का दिखाई देगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा दिखाई देगा बच्चों? स्कारलेट रेड कलर का दिखाई देगा आपका आर्टरी में जो ब्लड होगा वो स्कारलेट रेड कलर का दिखाई देगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका रेड चमकीला लाल कलर का दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो और जो डीऑक्सीनेट कलर ब्लड है वो कैसा दिखाई देगा बच्चों? वो आपको दिखाई देगा पर्पल ब्लू कलर का। कैसा? पर्पल रेड, पर्पल रेड कलर का दिखाई देगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पर्पल रेड कलर का दिखाई देगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो किस दिखाई देगा आपका? स्कारलेट रेड कलर का दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलो अब देखिए, लेकिन जो आपका रेड तो दोनों में, तो रेड कलर है क्यों? तो रेड कलर का रीजन देखो, आपके रक्त का रंग लाल होता है क्यों? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। और हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है आपके? आपका जो हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है वो आरबीसी के अंदर होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलो तो लिख सकते हैं अपन हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। ये कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? प्रेजेंट इन आरबीसी। सो ब्लड का कलर कैसे होता है? सो ब्लड का कलर जो होगा, ब्लड का ब्लड कलर विल बी रेड। आगे बात समझे भाई, एचबी नाम का हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है कहां? किसके अंदर? आपके आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? पूरे के पूरे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड हो जाता है। पूरे पूरे क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। इसलिए क्या बोला गया है कि ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए फटाफट से अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली प्रॉपर्टी ब्लड में सबसे पहले कलर की,
आर्टरी के अंदर ये ऑक्सीजन ब्लड होगा स्कारलेट रेड फॉर्म में और स्कारलेट रेड कलर में, और वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो आपका डी ऑक्सीजन ब्लड होगा, और जो वो कैसा होगा, वो होगा आपका पर्पल रेड कलर का। आगे चलते हम लोग, एच बी जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का जो कलर होता है कैसा होता है, रेड होता है। आगे हम लोग चलते हैं कलर के बाद में वॉल्यूम, कलर के बाद हम लोग चलेंगे सीधा वॉल्यूम पर। कलर के बाद बेटा हम लोग सीधा चलेंगे वॉल्यूम पर। कितना वॉल्यूम होता है अब इसके बारे में चर्चाएं करेंगे बच्चों, वॉल्यूम कितना होगा इसके बारे में चर्चाएं करेंगे सभी लोग। अब बात कर रहे हैं ब्लड के वॉल्यूम की, क्या वॉइस क्लियर है बच्चों? कमेंट सही नहीं आ रहे, क्या बात है? ठीक, क्लियर है, ओके ओके। अब हम बात करेंगे किसके, आपके वॉल्यूम। चलिए हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा बेटा मेल के अंदर अलग होता है और फीमेल के अंदर अलग होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 5 to 5.5 लीटर। वॉल्यूम जो होगा कितना होगा, 5 से 5.5 लीटर होगा इसके अंदर, मेल के अंदर, इन मेल। पुरुषों के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर का अमाउंट होता है, और फीमेल के अंदर कितना होता है बच्चों, 4 से 4.5 लीटर होता है इसके अंदर, इन फीमेल। अच्छे से देखता बच्चों, फीमेल के अंदर होता है 4 से 4.5 लीटर किसके अंदर होता है, ये इन फीमेल, फीमेल के अंदर इतना होता है। फीमेल के अंदर कम क्यों होता है, क्योंकि फीमेल का बॉडी वेट भी कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट से लिख लेंगे अपन लोग। चलिए तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो जो हमारा 5 से 5.5 लीटर होगा मेल के अंदर, है ना, और फीमेल के अंदर होगा आपका 4 से 4.5 लीटर, क्लियर है कि नहीं है? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बॉडी वेट का 8% क्या होता है, ब्लड होता है। 8% ऑफ बॉडी वेट, ये भी मैं लिख सकता हूँ। अगर किसी का बॉडी वेट मान लो 70 किलो है, मान लो एक बार एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में तो देख सकते हैं, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो वेट है वो मान लो 70 kg, कितना बच्चों, 70 kg। अब 70 kg का आप लोग क्या करो, 8% कर दो, 8/100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा 5.6 लीटर, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जो बॉडी वेट है उसका 8% जो होता है, कहीं पर 7 तो कहीं पर 8 लिखा हुआ, घबराने वाली जरूरत नहीं है, 7% या 8% क्या होता है आप लोगों का ब्लड होता है, एक बार फटाफट से लिख लीजिए इसको। चलिए वॉल्यूम की बात कर ली हमने, अब तक क्या बात कर ली, उनको सबसे पहले चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग फटाफट से। देखिए हमने बताया कि ब्लड एक बॉडी फ्लूड है, बॉडी फ्लूड दो तरह के होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड।
जो सेल के अंदर फ्लो करते हैं वो इंट्रा सेलुलर फ्लूड कहलाते हैं, जो सेल के बाहर फ्लो करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहलाते हैं। हमारा ब्लड जो होता है ब्लड वेसल फ्लो करता है यानी सेल के बाहर फ्लो करता है, इसलिए ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड क्या है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है। दूसरा ब्लड की स्टडी को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं। तीसरी लाइन में लगी जो हमारा ब्लड होता है पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए ब्लड क्या है हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग इसको बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ब्लड की, तो ब्लड का कलर जो होता है वो ब्लड जो होता है आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसका कलर होगा स्कारलेट रेड मतलब चमकीला लाल, और ब्लूइश पर्पल रेड होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है। आगे हम लोग चले तो HB जो होता है वो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, एक HB पिगमेंट है, एक वर्णक है जो कि RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। आगे हम लोग चलते हैं सीधा कि हमारा जो बॉडी का वॉल्यूम, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मेल के अंदर 5 से 5.5 लीटर होता है, फीमेल के अंदर 4 से 4.5 लीटर होता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉडी वेट का 8% क्या होता है आपका, उतना वॉल्यूम क्या होता है ब्लड पर। देखो अगर किसी व्यक्ति के अंदर 70 किलो का वेट है तो उसका अगर हम 8% निकालेंगे यानी 5.6 लीटर क्या हो जाएगा उसका, 5.6 लीटर से क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगला हम लोग चल रहे हैं सीधा वॉल्यूम के बाद में, सीधा हम लोग चल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसमें बात, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ब्लड की होगी, ठीक है, टोटल ब्लड जो होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग बात करें तो 1.050 से लेकर 1.050 से लेकर 1.060 तक क्या होती है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्लियर है कि नहीं। और ऐसे अगर हम लोग प्लाज्मा के लिए पूछें, अगर प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ली जाए, ध्यान रखो कभी अगर प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएगी 1.021 से लेकर 1.021 से लेकर 1.025 तक क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपके प्लाज्मा। क्लियर है कि नहीं है। तो प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ले या इसके पूछ ले तो इसका ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं है, पक्का समझ में आ रही बात। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद हम लोग चलते हैं पीएच के बारे में बात करते हैं कि पीएच कैसा होता है। चलिए अब सीधा चलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पीएच। पीएच की अगर हम लोग बात कर ले, देखो ब्लड का जो पीएच होता है, ठीक है, वो आर्टरी के अंदर अलग होता है और वेन के अंदर अलग होता है। क्लियर है कि नहीं है। चलो हमारा जो पीएच होगा ब्लड का वो कितना होता है इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड का जो पीएच होगा वो होगा 7.45 किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, राइट। आर्टरी के अंदर जो हमारा पीएच होगा ब्लड का 7.45 होगा, वेन के अंदर जो पीएच होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 7.35 किसके अंदर, वेन के अंदर। इसलिए नॉर्मल पीएच कितनी मानी जाती है, नॉर्मल पीएच मानी जाएगी बेटा आपको लिखा हुआ मिलेगा 7.3 से लेकर 7.4। क्लियर है कि नहीं। नॉर्मल पीएच जो होगा वो कितना होगा 7.3 से लेकर 7.4। और दूसरी बात पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या पीएच की यूनिट क्या होती है, पीएच की कोई यूनिट नहीं होती, पीएच क्या है एक स्केल है, ठीक है, तो पीएच की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये 7.4 आपका होगा, 7.3 से 7.4 हो गया आपका नॉर्मल पीएच। क्लियर है कि नहीं है। चलो देखिए अगर सेवन, देखो आपको पता है कि 7 को तुम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। 7 क्या होता है, न्यूट्रल, ये पता आप लोगों को। मोर देन 7 से ज्यादा अगर हो, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय कहलाएगा, वो क्या करेगा एल्केलाइन हो गया, वो क्या हो गया एल्केलाइन। समझ में आ रही है बात, वो क्या होगा एल्केलाइन। अगर 7 से कम हो तो वो क्या कहलाता है आपका एसिडिक, वो क्या कहलाता है एसिडिक। तो हमारा जो ब्लड होगा वो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा क्या एल्केलाइन है, तो हमारा ब्लड कैसा है स्लाइटली एल्केलाइन, ब्लड कैसा होगा स्लाइटली एल्केलाइन। तो लिख देते हैं अपन ब्लड कैसा होता है, हमारा बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है बच्चों, वो कैसा होगा
स्लाइटली एल्कलाइन होगा। हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो कैसा होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा। क्लियर है कि नहीं है बच्चा? चलो और एक चीज बताता हूं, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिडोसिस। हमारी बॉडी में ध्यान रखो, जब CO2 बढ़ता है ना, CO2 तो CO2 की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड बढ़ जाता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। CO2 क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर H2 से मिलकर क्या बनाता है, H2CO3 का नाम का एक एसिड बनाता है। तो CO2 बढ़ता है तो एसिड ही बढ़ता है, इसलिए जब भी CO2 बढ़ता है तो हमारी बॉडी में जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं हम लोग एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। ये ध्यान रखना, जब भी हमारी बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। क्लियर है कि नहीं? और जब भी हमारी बॉडी के अंदर CO2 घटेगा उसे बोलेंगे एल्केलोसिस। क्या बोलेंगे, एल्केलेसिस, एल्केलोसिस। क्लियर है? तो दो तरह के होते हैं आपका एसिडोसिस, तो दूसरा कौन सा था आपका, एल्केलोसिस। क्लियर है कि नहीं है? यह खत्म हो गया आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। क्लियर है कि नहीं है? चलो यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या है तो फटाफट से बता दीजिए, हम लोग निवरण आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ब्लड को हमने डिवाइड कितने पार्ट्स में किया हुआ है, ब्लड को कितने पार्ट से डिवाइड किया हुआ है, इसके हम लोग इस पर हम लोग फटाफट से चलते हैं। चलिए ब्लड के कंपोजिशन के बारे में ना, तो अपना टॉपिक जो होगा वो क्या होगा बच्चों, अपना टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। टॉपिक का नाम क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो अब ब्लड जो होगा बच्चा, देखो ब्लड में क्या होता है, दो प्रकार का पार्ट होता है। क्या होता है, दो प्रकार के पार्ट होता है। एक तो होता है अपना लिक्विड पार्ट। कैसा होता है, लिक्विड पार्ट, जैसे प्लाज्मा वगैरह हो गया। तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं बच्चा, एक तो कौन सा हो गया आपका, लिक्विड पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर पार्ट। दूसरा कौन सा है, फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसी का दूसरा नाम क्या, सेलुलर पार्ट। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना, सेलुलर पार्ट। आगे बात, अब तुम्हें मोटा मोटा आइडिया यहां से लग जाना चाहिए, आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे लग जाना चाहिए कि लिक्विड पार्ट जो होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा उसके अंदर प्लाज्मा होगा। बोलो हाँ है ना, मोटा मोटा सोचते। और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है फॉर सेल, उसके अंदर क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी होने चाहिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, क्या ये सब होने चाहिए क्या, बोलो हाँ ना, PLT शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, बाकी प्लेटलेट बोलते हैं, राइट। तो हमारे अगर हम बात करें तो हमारा ब्लड के दो तरह पार्ट है, लिक्विड पार्ट के अंदर तो आता है हमारा प्लाज्मा बेटा, और फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलर पार्ट के अंदर आता है हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। अब बात है कि आपके ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट कितना परसेंट होता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होगा बेटा आपका, 55% होगा। कितना होता है, 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होगा, 45%। क्लियर है कि नहीं है? आपका लिक्विड पार्ट कितना होगा, 55% होगा, और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा बेटा आपका, 55% होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो तो हमारा जो ब्लड है वो दो पार्ट उसके पास होता है, लिक्विड पार्ट होगा और दूसरा कौन सा होगा आपका, सेलुलर पार्ट होगा। ऑडिबल है, आवाज सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, हम लोग इनके भी पार्ट क्या क्या बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए ब्लड को अध्ययन किया जाए ढंग से तरीके से। चलिए ब्लड के अपन पूछ जाते सीधा, दो तरह का है बेटा, अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ब्लड के दो पार्ट है,
दोनों पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ब्लड के दोनों ही पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए। और हम अच्छे से कंपोजिशन बताएंगे किसका, ब्लड, ठीक है। आइए ब्लड पढ़, ठीक। अब ब्लड के जो कमी, सबसे पहले लिक्विड पार्ट की बात कर लेते हैं। लिक्विड पार्ट कौन सा हो बेटा, प्लाज्मा, बोलो है ना। तो क्या प्लाज्मा कितना परसेंट होगा, 55% होगा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें ब्लड सेल की, किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इधर पढ़ रहे हैं ब्लड सेल, तो ये कितना परसेंट होगा बेटा आपका, 45% होगा, कितना होगा, 45% होगा, ठीक है बच्चा। अब लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा होता है वो कौन कौन से होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या मिलेगा, प्लाज्मा अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम प्लाज्मा में बात करें तो कितना कितना क्या होगा उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलेगा आओ उसके बारे में चर्चा, ठीक है। चलो प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले आते हैं अपन लोग वाटर की बात करेंगे, फिर हम लोग प्रोटीन्स की बात करेंगे, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, आपके सोल्यूबल सोल्यूट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है उससे चर्चा करते हैं। प्लाज्मा में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मिलेगा वाटर, सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चों, वाटर देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले होगा वाटर, और कितना परसेंट होता है ये, 90 से 92% होता है, कितना होता है, 90 से 92%। फिर आता है प्रोटीन, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपके आरआरबी 2019 के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ऑप्शन में था क्वेश्चन में, ये विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, कि प्रोटीन के अंदर आपके प्लाज्मा के अंदर कितना प्रोटीन होता है, कितना पार्ट होता है, 6 से 8% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट बनाती है, 6 से 8%, और बाकी जो सोल्यूट होते हैं, बाकी सोल्यूट में गैसेज वगैरह जो आती हैं वो बाकी सोल्यूट कितने होते हैं आपके, 1% होते हैं। सोल्यूट में आपको क्या क्या मिल सकता है, सोल्यूट के अंदर आपको गैसेज मिल सकती है, जैसे कि गैसेज में क्या क्या मिल सकता है आपको, O2, CO2, N2, ये गैसें मिल सकती है। इसके अलावा क्या क्या मिल सकता है बेटा आपको सोल्यूट में, सोल्यूट में आपको मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको मिल सकता है लिपिड, है ना, आपको मिल सकता है एमिनो एसिड, ये सब सोल्यूट के फॉर्म में मिल सकते हैं आप लोगों को, मिल सकते क्या, मिलते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर, क्लियर है कि नहीं। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा बनाता है 55% हिस्सा आपका प्लाज्मा बनाता है, थोड़ा अमीनो एसिड को ढंग से लिखता हूँ, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, कमेंट आ रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा, चलिए मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, देखिए ये मैं लिख रहा था अमीनो एसिड, ETC है बेटा, इसमें ETC में लगा दूंगा, और भी चीजें हैं अमीनो एसिड ETC, ठीक है। चलिए तो वाटर हो गया 90 से 92% आपका, और प्लाज्मा प्रोटीन हो गई 6 से 8%, और आपके सोल्यूट्स हो गए 1%, क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा किसके अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर ना। अब ब्लड सेल पे जाने से पहले प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होती है इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होती है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पहला होगा, पहला जो प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, एल्बुमिन, क्या नाम है बेटा, एल्बुमिन, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, ग्लोबुलिन, और तीसरा क्या नाम है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन तीनों क्या होती है आपकी, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। हम लोग बात कर लेते हैं इधर ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है बेटा, कौन कौन सी होती है, RBC होती है, WBC होती है, और प्लेटलेट होती है, क्लियर है कि नहीं। RBC होती है, WBC होती है, और प्लेटलेट होती है, समझ में आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से आप लोग समझ आ रहा है, RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट होती है, और WBC दो प्रकार की होती है, ऐसी WBC जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट। ऐसी WBC जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकामय जो WBC होती है, कणिकामय WBC का नाम क्या है बेटा, ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। और जो कणिकामय नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, ए ग्रेन्यूलोसाइट, उसे क्या बोलेंगे अपन, ए ग्रेन्यूलोसाइट,
अब देखो सुनो, अब ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होती है पूछ आपको आना चाहिए। ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होती है बेटा, न्यूट्रोफिल, ठीक है, बेसोफिल, बेसोफिल और फिर आता है इओसिनोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक आएगा मोनोसाइट, बेटा एक मिनट थोड़ा सा, एक ग्रेनुलोसाइट में आएंगे आपके मोनोसाइट और दूसरा कौन सा आएगा आपका लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आपके बेसिक सा क्लासिफिकेशन या कंपोजिशन का जो चार्ट है वो हमने कर लिया, बहुत ही बेसिक सा किया है ताकि आप इसमें कोई चीज समझ लें तो फटाफट से पूछ लें। हमने बात करी है ब्लड को क्लासिफाई किया है, ब्लड की कंपोजिशन को दिखाया है, उसमें ब्लड जो प्लाज्मा होगा वो 55% है, आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड सेल्स है वो आपका 45% है। फिर हमने बात करी है कि प्लाज्मा के अंदर वाटर 90 से 92% है, प्रोटीन 6 से 8% है, सोलिड 1% है, प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन की फॉर्म में होती है। उधर हम बात करें आपका ब्लड सेल जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल होती है और एग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। क्लियर है कि नहीं? इसमें मैं एक दो वर्ड और आपको जोड़ दूं तो ये बता दूंगा कि आपका जो आरबीसी है उसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, वो पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम बेटा ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आज थोड़ा सा क्लास लो चलाइए ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। कल की जो क्लास होगी थोड़ा स्पीडली लेंगे और अपना जो टॉपिक है इसको टाइम पर अपन लोग फिनिश करेंगे। अलविदा लेते हैं इसी के साथ में और मिलते हैं नई क्लास में। एक चीज़ को पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बात करेंगे आगे हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट कैसे बनी, एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। और चूड़ी हेलिक्स के साथ, हेलिक्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको रिजल्ट देने के लिए बना है, जिसका रिजल्ट A1 रहता है और जिसने रिजल्ट के लिए पूरे राजस्थान में नहीं देश में तहलका मचा रखा है। थैंक यू सो मच। आप कर रहे हो चाहे RRB, एम्स, PGI, चंडीगढ़, जिपमेर, किसी की भी तैयारी या फिर कोई आप डिप्लोमा डिग्री के एकेडमिक स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर DMLD, DRT, OTC कहते हैं, किसी के भी हो, आप लोग के लिए ये टॉपिक सबसे बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट होना है। थैंक यू सो मच। और मेहनत कर रहे हैं हम लोग ईमानदारी से, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा होता है जो हम लोग सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। अगर हमारे ब्रह्मांड में नेगेटिव हम लोग चीजें सोचेंगे तो ब्रह्मांड हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव लोग भेजेगा, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे सराउंडिंग में पॉजिटिव चीजें भेजेगा। ऐसा नहीं सोचना सीटें कम आई सीटें ज्यादा ही, अगर सिलेक्शन लेना है तो कम सीटों भी होता है, सिलेक्शन ज्यादा लेना है तो बहुत सारी सीटों में सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको एक सीट की लड़ाई लड़नी है, आज ही लड़नी, क्योंकि ब्रह्मांड आप जो सोचते हैं वो देगा और आप सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।